नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश का यूथ अग्निपथ योजना को लेकर के अपने दिमाग में न जाने कौन कौन से गांठे लिए हुए हैं और उन्हीं के साथ वो उपद्रव कर रहा है। एक आंदोलन का रूप ले लिया है उनका जो गुस्सा है। सड़कों पे आकर के वो वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, पुलिस से झड़पें कर रहे हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में इनका प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है, आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच अग्निवीरों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, वो सब सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि देश की सेनाओं में अग्निवीर केवल एज ए रिक्रूट्स नहीं रहेंगे वो, बल्कि उन्हें एक क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वो अपनी जॉब पूरी करेंगे 4 साल के बाद, उसके बाद उनको बाकायदा पूरा सम्मान मिलेगा। अगर वो कुछ और आगे एंट्रेंस को क्लियर करते हैं तो वो दूसरे फोर्सेस में भी जा सकते हैं। इस समय राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गाड़ियां जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं और तमाम एजिटेशन किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही है कि अचानक से हमारे देश में बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आंदोलन होने क्यों शुरू हो गए हैं। हर चीज़ का राजनीतिकरण क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि हम यूथ को भटकाव में ला करके उनसे अपना मकसद साधें, अपनी राजनीतिक रोटियां सीखें? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने जो पिछले दिनों में देखा समझा उसके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलरली ये जो अग्निपथ योजना है, इसके आने वाले दिनों में योजना लागू होने के बाद जो अग्निवीर बनेंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। समझने की बात ये भी है कि आर्मी में बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल हैं जिन्हें 4 साल 5 साल के लिए ही रखा जाता है। केवल ये अग्निवीर ही ऐसे नहीं हैं, और भी कई ऐसे प्रोफाइल हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। उन लोगों ने उन परीक्षा को पास करने के बाद कभी ऐसे एजुकेशन नहीं किए। अगर मैं एयरफोर्स के पायलट की ही बात करूं, तो उनका जो काम करने का पीरियड होता है बहुत कम होता है। लेकिन क्या सेना उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देती? और अगर वो ट्रेनिंग देती है तो उस ट्रेनिंग का क्या उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता? आप सोचिए, बहुत सारी ऐसी हमारी एयरलाइंस हैं जिसमें ट्रेनिंग लेते हैं सेना से, वहाँ अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अपनी सेवाएं देते हैं वहाँ। और इन अग्निवीरों के लिए तो सरकार ने खुलेआम ये कहा है कि हम इनको खाली नहीं बैठने देंगे, ये चाहे तो अपना बिजनेस करें, ये चाहे तो किसी फोर्स में जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ये सड़क पे आ गए हैं। इससे ये लगता है कि कुछ हमारे देश की ही ऐसी ताकतें हैं, ऐसे दल हैं जो ये चाहते हैं कि देश में हर समय कोई ना कोई खुराफात छिड़ा रहे, कोई ना कोई आंदोलन छिड़ा रहे, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाए जिस पे वो सरकार, चाहे कोई भी हो, जो भी मौजूदा सरकार है उसका वो विरोध करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। आप
10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले का इतिहास उठा के देखें तो हमेशा से जो विरोध करने का तरीका है उनका ऐसा ही होता है, और उसके लिए इस्तेमाल किसे किया जाता है, युद्ध को। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि युद्ध सबसे पहले भटकता है, लेकिन वही युद्ध हमारे देश की बैकबोन है, वो अगर इतनी कमज़ोर होगी। और हाँ, मैं सुन रही थी उस पिता की दर्द भरी कहानी जिसका बेटा थोड़ा सा भावुक होकर के, थोड़ा सा इमोशनल होकर के इस आंदोलन में, यानी कि जो अग्निपथ स्कीम है इसके खिलाफ जो आंदोलन, जो उग्र ये आप देख रहे हैं सड़कों पर रूप गुस्सा, इसमें उसने अपनी जान दे दी। और उस पिता का ये कहना था कि इस लेवल का जो यूथ है वो सेना में जाने के काबिल ही नहीं है। और मैं खुद पर्सनली इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिसका मेंटल लेवल इस तरीके का है उसे तो सेना में जाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सेना में इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, आईक्यू लेवल का टेस्ट तो होता ही है, ये सैनिकों का भी होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे आपको टेस्टों से गुजरना पड़ता है जिससे आप एक कहते हैं ना गली का तिनका जो है उसके बारे में भी अपनी क्या राय रखते हैं, ये तक बात उन लोगों से जान करके ये समझ लिया जाता है कि ये यूथ किस तरीके से हमारे देश को संभालेगा, उसकी सेवा करेगा, उसके लिए अपनी जान देगा। तो आंदोलन के लिए जान नहीं देनी है, जान देश के लिए देनी है। आंदोलन के लिए अगर आप जान दे रहे हैं तो आप बहुत गलत है। आंदोलन में आप रह करके मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। अभी अभी देखिए सरकार भी बहुत कुछ सोच रही है। आज ही जो जिस ट्वीट की मैंने बात की, जिससे मैंने ये वीडियो शुरू किया, उसमें सीधे सीधे राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं अग्निवीरों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इस समय सेना के तीनों प्रमुख जो हैं वो इस समय एक मंत्रणा में हैं, उनका मीटिंग चल रही है और इसी स्कीम को लेकर के चल रही है। धैर्य तो रखना चाहिए, और युवा ये भी ना समझें कि उन्होंने ये जो खुराफात किया है इसको लेकर के सरकार या जो सेना के तीनों प्रमुख हैं वो कोई ऐसी राय देंगे जिससे एक ये मैसेज जाए कि सरकार इस गुस्से को, गुस्से से कहीं ना कहीं अपने आप को भय महसूस कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो योजना तैयार की गई है उसको थोड़ा और रिफॉर्म किया जा सकता है। जो मन में भ्रम है उनको हो सकता है योजना में क्लैरिफाई ना किया हो, साफ साफ ना दिखाया गया हो, वो शायद से हाइड हो सकता है। उन सब चीज़ों को लेकर के मंत्रणा के बाद तो तीनों जो सेना प्रमुख हैं जो इस समय मीटिंग में हैं वो उन हाइड जो फायदे हैं युवाओं के लिए उनको लेकर के सामने आए। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो यूथ गुस्से में है वो बिहार का युवक है। देखिए आज तड़के ही एक पूरा स्टेशन जला दिया। अब मैं उन युवाओं से ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्टेशन को जला करके आपने किसका नुकसान किया। आप एक एक व्यक्ति से ये पूछिए कि ये नुकसान जो हो रहा है किसका हो रहा है। वो एक एक व्यक्ति का हो रहा है, उसकी भरपाई हम लोगों को ही करनी है। अग्निवीर बन के तो देखिए वहाँ तक, उस लेवल तक जाइए तो सही, आप भर्ती में इतनी दौड़ लगाते हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म की भर्ती कहिए, स्कीम कहिए, ये एक अलग किस्म की योजना है। इसमें जो लड़ाका तैयार होंगे, जो सैनिक तैयार होंगे वो अलग किस्म के होंगे। ये एक नया प्रयास है सरकार का, और इसको
इसके जो अग्निवीर होंगे उनको सदियों तक जमाना याद रखेगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अलग किस्म से देखा जाएगा, क्योंकि हर किसी को इससे बहुत उम्मीद होगी। जो राजनीतिक पार्टियां इस समय इन युवाओं को यूज़ कर रही हैं, वो भी ये सोचें कि यूथ का भला किस में है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी। ये योजना दरअसल, अगर मैं पर्सनली आपसे कहूं तो एक यूथ के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। न जाने क्यों यूथ को ये बात समझ नहीं आ रही है, और वो किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं, ये देखने की बात है। और ये सरकार भी देखे और अपने अपने लेवल पे इस पे विचार किया जाए। और मैं आपके साथ फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इस पे एक मीटिंग भी हो रही है, मैं आपको उससे भी अपडेट कराऊंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।